Hello students. So we are doing our chapter number first in science food where does it comes from? So in the previous class we have already done about learn about uh, varieties of food, ingredients of food and parts of plants, different uh, edible parts of plants. So today we will uh, read uh, page number four. so here is हेयर activity activity 4 and activity 5 do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible some plants could be poisonous yani यानी हर जो हमारे आस ka का जो hai ठीक है उसको हमें खुद ही से ट्राई नहीं करना चाहिए कि ये हम edible है या नहीं है क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं poisonous होते हैं मतलब जिनमें जहर होता है सो so,

और उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं जैसे ब्रिंजल करी में ब्रिंजल चिली एज स्पाइसेस ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट मस्टर्ड सोयाबीन एनी अदर प्लांट सो ये इस तरीके की एक एक्टिविटी दी हुई है जो हमें करनी है इन द एक्टिविटी फाइव टेक सम ड्राई शीट्स ऑफ मूंग और चना हमें क्या करनी है ड्राई शीट मतलब सूखी हुई शीट्स लेनी है बीज लेने हैं मूंग की दाल के और चने की दाल के पुट अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ शीट्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे तो हमें क्या करना है एक कंटेनर लेना है जिसमें ये सीट्स हैं जो डाल देनी है पानी के साथ नेक्स्ट डे ड्रेन द वॉटर कंप्लीटली एंड लीव्स द शीट्स इन वेजल तो हम देखेंगे कि अगले दिन क्या होगा जब वो पानी है पूरी तरीके से सूख जाएगा और जो लीव्स है और जो शीट्स है उनको अलग अलग आ, कर लेंगे रैप दैम विद द पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड हम क्या करेंगे उन शीट्स को क्या करेंगे गीले कपड़े से बांध लेंगे द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द शीट्स क्या आपने कोई भी चेंजेस देखा है तो फिगर वन पॉइंट फाइव होल मूंग एंड इट्स स्पाउट्स तो ये जितनी भी मूंग हैं देखो ये मूंग के ड्राई मूंग शीट्स हैं जिनको हमने पानी में भिगोया देन इनमें क्या है स्प्राउट्स निकल गए हैं देखो अंकुर आ गए हैं अ इसमॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द शीट्स तो हम देखते हैं कि इन जो ये शीट्स हैं मूंग की दाल का इसके बाहर से एक छोटे छोटे वाइट वाइट से एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है है। जो जो बाहर निकल गया है. If so, the sheets are sprouted. तो अब हम कह सकते हैं हैं कि ये शीट्स मूंग दाल की ये ये क्या हो हो गई? गई है। शीट्स इन वाटर ड्रेन द वाटर एंड लीव दैन अनदर डे अब हम वापस से यही करेंगे इन द फिगर वन पॉइंट सिक्स चना ग्राम एंड इट्स स्पाउट्स तो चने की दाल के साथ भी हमने यही किया था तो ये भी क्या हो गई कि हमारी स्पाउट्स हो गई है कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ गीले कपड़े से हम क्या करेंगे कवर कर लेंगे द नेक्स्ट ई सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड हम देखेंगे कि ये सीट्स क्या हो गई स्प्राउट हो गई हैं

तो ये हमारे स्नैक्स का काम करते हैं डू यू नो वियर हनी कम फ्रॉम क्या आप जानते हैं शायद कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस और कैसे ये बनता है हैव यू सीन अ beehive वियर सो है सो मैनी बीज की बर्जिंग अबाउट तो क्या आपने देखा है बिहाइव मतलब जो बीज होती हैं मधुमक्खी उनका जो छत्ता होता है उसमें आपने देखा होगा कि सभी भिन भिनाती रहती हैं बीस कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर नेक्टर हम बोलते हैं जो किसी भी प्लांट का जो फ्रूट फ्रूट वाला पार्ट होता है या फ्लावर वाला पार्ट होता है जिससे वो जूस रस लाते हैं उसको उसको हम नेक्टर बोलते हैं फ्रॉम द फ्लावर कवर इट इन टू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स तो वो क्या करते हैं स्टोर करते हैं अपने हाइव्स में अपने छत्ते में फ़्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर तो जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कुछ ही टाइम के लिए ये सब चीज़ें रहती हैं तो वो पूरे साल के लिए इसको स्टोर करते हैं वैन वी फाइंड सच अव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी तो ये सारा जो हनी है बीज के द्वारा कलेक्ट किया जाता है अपने फाइव में वन पॉइंट फाइव वट डू एनिमल ईट जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं डू यू हैव कैटल और अ पैट दैट यू टेक केयर ऑफ अ डॉग अ कैट अ बफेलो और अ गॉड तो क्या आपके पास भी पैट एनिमल्स है जिनका आप ध्यान रखते हैं केयर कर नाउ सो ओपन यूर नेक्स्ट पेज so you will then you will then surely be aware of foo the food the animal eats so हम obviously हम जानते हैं कि animals किस तरह का food खाते हैं what about other animals have you ever observed what a squirrel जो गिलहरी होती है वो क्या खाती है pigeon lizard or a small insect maybe eating as their food सो एक्टिविटी सिक्स सर्वल एनिमल्स आर लिस्टेड इन द टेबल वन पॉइंट फाइव फॉर सम ऑफ़ दैम दे टाइप ऑफ फूड तो बफेलो है बफेलो ग्रास खाती है ऑयल केक है ग्रेन्स कैट क्या खाते हैं स्मॉल एनिमल्स सेम रेड लॉय टाइगर स्पाइडर हाउस लिजार्ट काूमन बींग बटरफ्लाई क्रो अदर्स तो ये एक टेबल दी गई है जिसके थ्रू हम बताएँगे कि कौन सा एनिमल क्या खाता है so in this table name of the animals are given and food of the animals eats so to determine which animal eat which type of food so we have we have to learn what is herbivorous what is carnivorous what is omnivorous so Have a look again at the table 1.5 and group the animals enter here as a follow. to dekho तो देखो अगेन वापिस से हमें ये hai देखनी है और dekhna को देखना है किस तरीके से इसमें gaye किए गए हैं बताए गए हैं प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोड्यूस इन अ ग्रुप तो ऐसे एनिमल्स को अलग करना है जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं ठीक है सो दीज आर कॉल्ड हार्बीवोरस Uh, animals which eat only plants that is called herbivorous there are some animals which eat other animals place this in second group so we have to place in group one only herbivorous and uh, uh, herbivorous in the second group we have to add carnivorous and in the third group we have to add omnivorous so omnivorous are the plants animals that eat both plants and animals. Place them in group 3 These are called omnivores So वो wo वो jo जो सिर्फ hote होते हैं किन्हीं bolte बोलते हैं जो सिर्फ khate खाते हैं या se से जो हमें fruit, vegetables milti मिलती हैं वो खाते हैं ठीक है या parts of plants khate हैं कानीवरस वो एनिमल्स होते हैं हमारे जो क्या खाते हैं सिर्फ़ एनिमल्स को खाते हैं ठीक है डेड एनिमल्स बोल सकते हैं एनिमल्स को बोल सकते हैं ओमनीवोरस वो प्लांट एनिमल्स uh, होते हैं हमारे जो बोथ यानी जो फ्रूट्स भी खाते हैं वेजिटेबल्स प्लांट्स को भी खाते हैं और साथ साथ क्या खाते हैं एनिमल्स को भी ईट करते हैं सो दे आर ओमनीवोरस प्रिपेयर अ टेबल एज इन द टेबल वन पॉइंट सिक्स इन द एंटर दिस सेपरेटली इन द थ्री कॉलम एज शोन तो यहाँ पे एक कॉलम बनाया गया हार्बीवोरस का कार्निवरस का ओमनीोरस का तो हार्बीवोरस का कॉलम में काव है लॉयन है डॉग है तो आप लोग हार्बीवोरस कानीवोरस ओमनी वोरस के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी आप छोटे से पढ़ते आ रहे हैं तो आप लोगों को खुद से एक टेबल रेडी करनी है जिसमें हार्बीवोरस एनिमल्स कानीवरस एनिमल्स और ओमनी वर्स एनिमल्स को आपने लिस्ट आउट करना है पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल्ड फिलिंग इन द टेबल तो ह्यूमन बींग्स को आप किस में डालेंगे तो ह्यूमन बींग्स को हम डाल सकते हैं ओमनी वर्स में बिकॉज ह्यूमन बींग्स मीट भी खाते हैं प्लांट्स भी खाते हैं ठीक है एंड सम टाइप्स कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं वेजिटेरियन होते हैं तो इस तरह के टेबल में हम मतलब हम बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स वेजिटेरियन होते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं एगिटेरियन होते हैं ठीक है सो वी नो दैट देर आर मैनी अमोंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशेंट फूड वी नीड टू फाइन वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री डैट विल नॉट बी इनाफ सो so, हम जानते हैं कि फूड जो होता है कई बार सफिशिएंट नहीं होता है जो प्रोड्यूस होता है हमारी कंट्री में दैट विल नॉट बी इनफ़ काफ़ी नहीं होता है वी विल नीड टू फाइन वे टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस तो हमें हर किसी के पास फूड क्या हो फूड सफिशियंट हो हर किसी के पास फूड पहुँचे तो इसके लिए हमें क्या है इजिली अवेलेबल हो इसलिए इंश्योर इंशोर मतलब हमें भी देखना पड़ेगा ठीक है कीवर्ड्स इसमें है इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा हमने ईडीबल नेक्टल्स पाउटेड सीड्स हार्बीवोरस कानीवोरस ओमनीवोरस तो ये इसके मेन कीवर्ड्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा है समरी ऑफ द चैप्टर इज दिस इज़ अ लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन द फूड इटन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया मतलब हर हर इंडिया के हर रीजन में अलग अलग तरह का खाना होता है भोजन होता है जाता है द मेन सोर्सेज ऑफ अवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल सो जो मेन सोर्सेस होते हैं हमारे भोजन के फूड के तो वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बिवोरस एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर सो दिस इज योर एक्सरसाइज डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड टू द सेम काइंड ऑफ फ़ूड क्या आपने ये फाइंड आउट किया है कि जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स होती लिविंग बींग्स होती हैं वो एक ही तरह का खाना खाती हैं नो ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स कॉल्ड एज हारबिवोरस तो कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं प्लांट्स के द्वारा जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो खाते हैं जैसे हारबिवोरस सम एनीमल्स ई ईट ओनली अदर एनिमल्स को सिर्फ मीट खाते हैं दे आर कॉल्ड कानीवर सम अदर एनिमल्स ईट बोध प्लांट्स एंड एनिमल आर कोल्ड ऑमनीवर्स सो ये ये क्या है नो no. नेक्स्ट आपका है एप्पल ट्री को हम फ्रूट से करेंगे व्हीट प्लांट को शीट से पटेटो को प्ला पटेटो प्लांट को हम स्टेम से करेंगे बीट रूट प्लांट को रूट से स्पेनिज को हम लीव से करेंगे ठीक है नाओ और क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हमारा क्वेश्चन नंबर तो जो थर्ड है ना वो हमारा स्टार्ट, स्टार्ट करना गूगल प्ले इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है यानी मैच करना है ठीक है तो मिल्क कर्ड पनीर घी को हम मैच करेंगे आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं हमें एनिमल के थ्रू मिलते हैं स्पेनिश कॉलीफ्लावर कैरेट ये सभी हमारी वेजिटेबल्स हैं लॉयन एंड टाइगर्स आर ईट एनिमल्स ये क्या होते हैं हमारे कानीवोरस होते हैं हारबी वोरस किसे बोलते हैं ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स तो ये मैच द फॉलोइंग कर देंगे हम नेक्स्ट हमारा है फिलप्स फिलिंदा ब्लैंक से फर्स्ट है टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट तो टाइगर क्या है क्योंकि ये सिर्फ मीट खाता है तो टाइगर क्या है हमारा कानीवोर है नेक्स्ट so है डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज़ कॉल्ड हारबीवोरस सी है पैरेट ईट्स ओनली डैस प्रोडक्ट तो पैरेट क्या खाता है सिर्फ एनिया क्या खाता है प्लांट्स प्रोडक्ट खाता है तो दैट इज़ प्लांट नेक्स्ट इज़ द डैश दैट वी ड्रिंक कम फ्रॉम काउज बफेलोज एंड गॉड्स इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट दैट इज़ मिल्क ई है हमारा वी ईट शुगर फॉम हम शुगर कहाँ से हमें मिलता है गेट करते हैं वी गेट शुगर फ्राम शुगर केन यानी गन्ने से सो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट चैप्टर था क्लास सिक्स की साइंस का जो हमारा था फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम तो ये चैप्टर आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है ठीक है तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग खुद भी इस चैप्टर को अपनी बुक से रीड आउट कीजिए जिससे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग